लास्ट क्लास में हमने व्यू टैब के ऑप्शंस को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम वर्ड पैक बटन के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट वर्ड पैक एंड एग्जिट। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले न्यू के ऑप्शन को पढ़ते हैं। न्यू का काम क्या होता है? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, न्यू का मतलब होता है नया। यानी अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। यानी क्या आपने जो वर्क किया है आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कराना चाहते हैं? अगर आपको सेव कराना है तो सेव पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप फाइल का नाम दीजिए और फाइल आपकी सेव हो जाएगी, आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर आप अपनी फाइल को सेव नहीं कराना चाहते हैं तो आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से डोंट सेव कर दीजिए। डोंट सेव करते ही आपका ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा और आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये जो डायलॉग बॉक्स था स्टेटमेंट का वो हट जाएगा। तो हम वर्डपैड बटन पे आए, न्यू पे क्लिक किया, हमें नया पेज लेना है और इस काम को सेव नहीं करना है तो डोंट सेव कर देते हैं। देखिए आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ओपन। ओपन का काम क्या होता है? ओपन का यूज़ हम अपनी फाइल को खोलने के लिए करते हैं। अगर जो फाइल हमने सेव कर रखी है उसको दोबारा देखना है तब हम ओपन के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फाइल का नेम डालिए। हमने डाला, हम एक फाइल पहले बना चुके थे डेमो नाम से। तो देखिए यहाँ पे जब हम डेमो डाल रहे हैं हमारे पास दो फाइल हैं जिनमें डेमो लिखा है। एक का एक्सटेंशन नेम .odt आ रहा है और एक का एक्सटेंशन नेम .rtf। तो हमें पता है कि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है, तो ये वाली फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल खुलकर आ जाएगी। अगर हमें एक नया पेज लेना है लेकिन शॉर्टकट की से, तो न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। Ctrl+N करोगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपको फाइल ओपन करानी है, फाइल ओपन कराने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। आप Ctrl+O करोगे तो आपके पास ओपन का डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम डालिए और फाइल के नेम को सेलेक्ट करके ओपन करा दीजिए। फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वर्डपैड बटन में वो है सेव और सेव एज। इसका काम क्या होता है? हमने अपने पेज पे एक फाइल क्रिएट की। इस तरीके से हम कुछ काम कर लेते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिखा। अब हम इस काम को सेव करना चाहते हैं। देखिए ये हमारी एक अनटाइटल्ड फाइल है, इस फाइल का कोई टाइटल नहीं है। हमें इस फाइल को टाइटल देके सेव करना है। तो हम वर्डपैड डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ से सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेव, अगर हम सेव पे भी क्लिक करते हैं तब भी जो पहला डायलॉग बॉक्स मिलता है वो आपको सेव एज का ही मिलता है। यानी आपकी जो फर्स्ट टाइम फाइल सेव होती है वो सेव एज पे होती है। सेव एज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सेव एज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं कि आप अपनी फाइल को चाहें तो RTF फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं, यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आप चाहें तो अपनी फाइल को XML डॉक्यूमेंट में सेव करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी फाइल को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, हम उस फॉर्मेट में भी सेव करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया। यहाँ पे सेव एज टाइप में क्या लगा है? RTF। अब डॉक्यूमेंट का नाम डालिए। यहाँ पे हमने इस तरीके से नाम डाला।
पाथ चूज कर लेंगे कि ये जो काम आपने किया है ये किस जगह पे सेव कराना है। तो हमने डॉक्यूमेंट लगा के सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारी फाइल का टाइटल शो होने लगा, यानी ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो सेव एज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी फाइल को टाइटल देते हैं, यानी फाइल को नाम देते हैं। अब इसी फाइल में हमने आगे कुछ वर्क ऐड कर लिया इस तरीके से। यहाँ पे हम कुछ काम जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम कुछ काम करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने इस फाइल में जो भी वर्क ऐड किया है ये वर्क भी इसी फाइल में कंटिन्यू हो जाए सेव, तो यहाँ पर आके हम सेव के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा एडिशनल वर्क था इसी फाइल में कंटिन्यू ऐड हो चुका है, सेव हो चुका है। अगर आप सेव को शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो सेव की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एस। आपने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा, आप चाहते हैं कि ये काम आपका कंटिन्यू इसी फाइल में जुड़ जाए, आप कंट्रोल एस कर दीजिए, ये काम आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रिंट पे। तो प्रिंट में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट कराने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हो कि जो प्रिंट है आपके मैटर का वो किस तरीके से निकल कर आएगा, यानी आप अपने मैटर का प्रीव्यू देख सकते हो। अगर आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दोगे तो प्रीव्यू आपका बंद हो जाएगा। फिर यहीं से हम आएंगे क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का मतलब आपको डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है विदाउट एनी सेटिंग्स, तो आप क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपके मैटर का प्रिंट निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट कराने से पहले उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप प्रिंट का यूज़ करिए। यहाँ पे जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रीफ्रेंसेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि प्रिंट आपको पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है, पेपर का साइज़ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। ऑल का मतलब आपको पूरे पेज का प्रिंट आउट निकालना है। अगर हम चाहते हैं हम जितना मैटर सेलेक्ट कर रहे हैं केवल हमें उसका प्रिंट निकालना है तो हम सेलेक्शन का यूज़ करेंगे। पेजेस का मतलब आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट चाहिए, आपको सेकंड पेज का प्रिंट चाहिए या थर्ड पेज का, हम उसको सेट कर सकते हैं। फाइंड प्रिंटर का मतलब होता है जो भी प्रिंटर कनेक्ट है आप उसको नाम से सर्च कर सकते हैं, उसका नाम डाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़ का मतलब आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं जिस भी मैटर का उसकी कितनी कॉपी चाहिए, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज़ डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कोलैट। जैसे आपको प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में भी पढ़ाया गया है कि कोलैट का यूज़ दो तरीके से हम करते हैं, एक ऑन होने पर और दूसरा ऑफ होने पर। कोलैट ऑन होने पर आपका प्रिंट कैसे निकलता है सेट वाइज, लेकिन अगर आपका कोलैट ऑफ है तो प्रिंट कैसे निकलेगा सिंगल सिंगल। जैसे मान लीजिए आपको आपके पास थ्री पेजेस हैं और आपको हर पेज की थ्री थ्री कॉपीज चाहिए, तो कोलैट जब आपको ऑन होता है तो आपका प्रिंट कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट पेज का प्रिंट, फिर सेकेंड पेज का प्रिंट, फिर थर्ड पेज का प्रिंट, ये आपका एक सेट निकला, फिर फर्स्ट पेज का प्रिंट, सेकेंड पेज का प्रिंट, थर्ड पेज का प्रिंट, ये आपका सेकेंड सेट निकला, फिर इसी तरीके से फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और थर्ड पेज, ये आपका तीसरा सेट निकला। यानी जो आपका प्रिंट आउट निकला है वो सेट वाइज निकला है, लेकिन कोलैट ऑफ होता है तो पहले फर्स्ट पेज की तीन कॉपी एक साथ, फिर सेकेंड पेज की तीन कॉपी एक साथ और फिर थर्ड पेज की तीन कॉपी एक साथ आएगी, यानी आपको सेट बनाने पड़ेंगे। और जो ऑप्शंस आपके अभी हाइड है वो तभी शो करते हैं जब आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा। आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल कर आ जाएगा। शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो कंट्रोल पी होती है, प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। प्रिंट के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पेज सेटअप। प्रिंट कराने से पहले अगर आप अपने पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको पेपर का साइज़ कैसे लेना है, डिफरेंट डिफरेंट
पेपर के साइजेस गिवेन है, तो हमने यहाँ पे A4 साइज ले लिया पेपर का। ओरिएंटेशन का मतलब प्रिंट आपको कैसे निकालना है, पेज में पोर्ट्रेट से या पेज में लैंडस्केप से। तो आपको अगर लंबाई में निकालना है पोर्ट्रेट लीजिए, आपको चौड़ाई में निकालना है तो लैंडस्केप लीजिए। फिर आपको पेज पे मार्जिन्स कैसे रखना है, मार्जिन्स हमारे पेज की गैपिंग होती हैं, यानी जब आप प्रिंट निकालें तो पेज पे आपको लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से कितना कितना मार्जिन रखना है, कितनी कितनी स्पेसिंग रखनी है, हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्जिन दे दिया, लेफ्ट से बॉटम, लेफ्ट और राइट से 0.75 का मार्जिन, टॉप एंड बॉटम से 1:1 का गैपिंग। फिर अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रिंट कराएं तो पेज नंबर भी प्रिंट होकर आए, तो प्रिंट पेज नंबर ऑन करके ओके कीजिए। जब आप प्रीव्यू देखेंगे प्रिंट में आके, तो इसी तरीके से आपका पेज सेटअप की सेटिंग्स शो करेगी। यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी शो हो रहा है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद सेंड इन ईमेल हमारा अभी यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को मेल करना होता है अपने डॉक्यूमेंट को, और इसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अबाउट वर्डपैड पे क्लिक करते हैं तो हम कौन सी विंडोज़ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे शो करेगा। अगर आप एग्ज़िट कर देंगे तो आपका जो वर्डपैड का सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, दोबारा से आपको वर्डपैड को ओपन करना पड़ेगा। एग्ज़िट की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। Alt+F4 करते ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा। हमारा वर्डपैड का सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए।